जय भोले की दोस्तों, मैं मोहन आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी भोले के भक्त बड़ी बेसब्री से इस साल की होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा का इंतजार कर रहे थे, तो आज श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन की डेट अनाउंस कर दी गई है। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून 2024 से शुरू होगी और 19 अगस्त 2024 तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा 2024 यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं 15 अप्रैल 2024 से। साथ ही कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल की लिस्ट और बैंक की लिस्ट भी श्राइन बोर्ड द्वारा अपलोड कर दी गई है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां हमें यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी मिलने वाली है। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड। तो जो पहला जो ऑप्शन आएगा उस पे आपको क्लिक करना है, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड। इसके बाद आपकी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहां आप कर्सर डाउन करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे अभी अभी की आपकी जितनी भी अपडेट्स हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो स्टार्ट होने जा रही है वो 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, अभी एडवांस रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एडवांस रजिस्ट्रेशन जो शुरू होने जा रहे हैं वो होने जा रहे हैं 15 अप्रैल 2024 से। आप वेदर चेक कर सकते हैं डेली बेसिस पे, डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग लाइव आरती जो कि होली केव से रिज्यूम होएगी, वो उसमें भी अभी टाइम है। और लिस्ट ऑफ RFID इशूइंग काउंटर सेल बी अवेलेबल सून। ठीक है, और हेलीकॉप्टर बुकिंग अभी ओपन नहीं हुई है, और जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनके लिए भी फॉर्म्स आ चुका है। कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट यात्रा 2024 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारा, ये इस बार इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। सभी हॉस्पिटल की लिस्ट आ चुकी है, बैंक्स की लिस्ट भी आ चुकी है, और गाइडलाइंस आ चुकी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए यात्रा 2024। ग्रुप रजिस्ट्रेशन का भी है और बाकी एक दो पॉइंट्स और हैं। ठीक है, तो वेबसाइट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारा रहने वाला है वो है कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट। कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट है ये श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का। ये एक छोटा सा फॉर्म है, एक पेज का ही, जिसे हमें फिल करना होता है मेडिकल टेस्ट के लिए। तो ये फॉर्म है, इसमें आपको बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करनी होती है। नेम है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ भरना है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ब्लड ग्रुप और आइडेंटिफिकेशन मार्क। इसके साथ आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपना पेस्ट करना है। नीचे आपसे डिक्लेरेशन मांगी जाती है कि आप इनमें से किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें आपको या यस नो में इसका आंसर देना है। जैसे अगर आपको कोई सांस की प्रॉब्लम है तो बताना है आपको है या नहीं है, लंग से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत है, हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई दिक्कत, हार्ट से रिलेटेड डायबिटीज है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, तो इनमें से अगर कोई बीमारी अगर आपको है तो उस हिसाब से आप आंसर दीजिए। ठीक है, और साथ ही इसके साथ नीचे कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक इफ यस प्लीज स्पेसिफाई, तो ये सारी डिटेल आपको देनी है। और यहाँ भी है, तो अगर ये यस है तो ही आपको आंसर देना है, और नहीं है तो यहाँ पे आप जस्ट नील करके इसको छोड़ दीजिए। नीचे आ जाइए, इसमें आप डेट आपको फिल करनी है, सिग्नेचर अपना करना है यहाँ पे। ठीक है, बट आपका ये फॉर्म कंप्लीट है। इसके बाद जब आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, अगर आप उसमें पास होते हैं तो ये पार्ट बी ऑफिसर के लिए है, मेडिकल ऑफिसर के लिए। मेडिकल ऑफिसर आपको यहाँ पे आपका नाम वगैरह लिख के यहाँ पे साइन एंड स्टैम्प करेंगे, जिससे आप मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट। और दूसरा, इसके बाद जो हमें करना है स्टेप, जो दूसरा हमारा स्टेप रहेगा वो है डॉक्टर हॉस्पिटल लिस्ट। ठीक है, ये जो लिस्ट है ये स्टेट वाइज आएगी आपकी,
ये लिस्ट अगर आप देखेंगे तो ये स्टेट वाइज लिस्ट है। जिस भी स्टेट में आप हैं वहाँ के स्टेट का आप ये डाउनलोड कीजिए और आपको वहीं के ही हॉस्पिटल में से जो इस लिस्ट में दिए गए हैं हॉस्पिटल उन्हीं में ही अपना मेडिकल करवाना है। जैसे अगर मैं दिल्ली का ओपन करूं तो दिल्ली के मेरे ये सारे जो हॉस्पिटल्स हैं ये मेरे सामने हॉस्पिटल्स की लिस्ट है। इन्हीं हॉस्पिटलों में जाके मुझे अपना श्री अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए मेडिकल कराना होगा। तो यहाँ पे आपके सारे स्टेट वाइज आपके हॉस्पिटल की लिस्ट आ जाती है। तो यही अगर इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं, जो मैंने अभी तक 2 सालों में फेस किया है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा जो उनके फॉर्मेलिटीज हैं वो ज्यादा होती हैं, टाइम ज्यादा लगता है, एकदम जनरल की तरफ आपको लाइंस में लगना पड़ता है, देन उनके अकॉर्डिंग वो टेस्ट करने पड़ते हैं और सारे टेस्ट एक ही दिन में नहीं होते हैं, वो आपको डेट भी देते हैं कि उस दिन आपको टेस्ट के लिए आना पड़ेगा। तो इसमें जो हमारा है वो काफी टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और जो अमरनाथ की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो जल्दी, जो स्लॉट्स हैं वो जल्दी जल्दी फुल होते रहते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वहां आपका जो चार्ज पड़ेगा वो 1500 से 2000 रुपए तक का आपका खर्चा आएगा, बट आपका टाइम बच जाएगा, आपको नेक्स्ट डे ही रिपोर्ट मिलेगी जिससे आप जल्दी से जल्दी अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के स्लॉट बहुत जल्दी फुल होते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपके फिर जो आप चाह रहे हैं कि मैं इस डेट पे यात्रा करूं तो वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये मैंने काफी टाइम फेस किया है। बाकी आपके बजट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा, आपका टाइम जाएगा बट फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा वहां पे, ठीक है। ये रही आपकी मेडिकल के लिस्ट। पहला आपने अपना कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करना है, उसको फोटोग्राफ वगैरह लगा के फिल करना है। देन बैंक, ये जो हॉस्पिटल लिस्ट है, हॉस्पिटल लिस्ट में आपको जाना है, हॉस्पिटल में जाना है वहां पे और वहां पे अपना अमरनाथ का मेडिकल टेस्ट के लिए पूछना है, मेडिकल टेस्ट करवाना है। मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं आप, फिट पाए जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, तो डॉक्टर आपके यहाँ पे आपको साइन और स्टैम्प करके देंगे। और तो डॉक्टर का नाम यहाँ पे वही होना चाहिए जो कि आपकी हॉस्पिटल की लिस्ट में, हॉस्पिटल के आगे जो नाम दिया गया है डॉक्टर का, वही डॉक्टर के स्टैम्प होनी चाहिए, तभी वो आपका माना जाएगा सर्टिफिकेट, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 2 स्टेप कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद आपको इसको स्कैन करना है, फोटो खींच लीजिए और जैसे ही 15 अप्रैल 2024 को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन ही शुरू होएगा, वहां पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपनी बेसिक डिटेल के साथ। मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद हमें हम वापस इसी जो वेबसाइट है अपनी, जो यहाँ पे अपनी 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, यहीं से हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट हमको लेना है और यहाँ से फिर ये जैसे ही 15 अप्रैल को स्टार्ट होगी डेट, रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, तो हमें यहीं से ही ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में एक पूरा रजिस्ट्रेशन की वीडियो बनाऊंगा कि हमको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। पहला अभी जो हमारा काम है वो है कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर्म को फिल करना और नियर बाय जो भी हमारे हॉस्पिटल जो भी लिस्ट में आया है वहां जाके अपना मेडिकल टेस्ट करवाना। तो मेडिकल टेस्ट आप करवा लीजिए, क्योंकि हॉस्पिटलों में इंटीमेशन आ गई होगी, तो जल्द से जल्द जाके अपना मेडिकल करवाएं, ठीक है। उसके बाद ये 15 से स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा, ठीक। और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है बैंक में, मतलब अब और हेल्थ सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए श्राइन बोर्ड वेबसाइट पे बैंक्स की लिस्ट भी आ चुकी है, आपके स्टेट वाइज है, तो आप नियर बाय अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जहां भी आपका एरिया पड़ता है वहां उस बैंक में जाके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाइए और बैंक में आप देंगे तो वो आपको एक जो भी स्लिप वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करवाएंगे और आपको आपका रजिस्ट्रेशन जिस भी डेट का आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। जय बाबा बर्फानी,